हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आपका गूगल लिप्स में। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं एक बहुत ही बेसिक होम रेमेडी बताने वाली हूँ आपके स्किन वाइटनिंग के लिए, कि कैसे आप घर के घरेलू उपचार से कुछ इंग्रेडिएंट से अपनी स्किन को वाइट कर सकते हैं, आपका जो एक्चुअल स्किन है उससे अपने स्किन को लाइट कर सकते हैं, अपने कलर को लाइट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप है गाइस, आप पूरा मेरा वीडियो एंड तक देखिए तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ, मुझे कैसे यूज़ करना है और कब कब यूज़ करना है। ओके, तो हमारा जो इंग्रेडिएंट्स होगा वो होगा पहला आलू, और उसे हम ग्रेट कर लेंगे, और दूसरा होगा हनी, और थर्ड होगा नींबू। इन तीनों को मिक्स करके हम जो इन तीनों को मिक्स करके जो वो जेल फॉर्म में होगा उसे हमें फेस पे अपने अप्लाई करना है। वो कैसे करना है, कैसे बनाना है, सारी चीज़ मैं आपको भी आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमें यूज़ कैसे करना है और कैसे हमें इसे बनाना है। तो मैंने अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमारे फेस वाइटनिंग के लिए। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये घरेलू उपाय हैं, आप बहुत सारे आप देखेंगे बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं आपको स्किन वाइटनिंग के लिए, बट मैं आपको ये एक आपके लिए बहुत ही आसान रेमेडी में बता रही हूँ आज। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर मैंने यहाँ पे लिया है आलू का रस, ये देख सकते हैं। इसमें मुझे ऐड करना है, मैंने लगभग 1.5 से 2 चम्मच मैंने आलू का रस लिया है, और हम इसमें ऐड करेंगे हनी। हनी हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रहे जितना आलू का रस आप ले रहे हैं उतना ही आपको लेना है हनी, दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। ओके, तो ये मैंने इसमें हनी मिला लिया है, तो लगभग 1.5 से 2 चम्मच मेरा आलू था और इसमें मैंने हनी मिला लिया। उसके बाद हम लेंगे नींबू, और इसमें हम आधा नींबू इसमें निचोड़ देंगे। ओके, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम इसको अपने फेस पे अब अप्लाई करने के लिए रेडी है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो फिर ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने आलू का जूस और हनी और मैंने इसमें नींबू मिलाया है। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब हमें इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब भी आप कोई भी होम रेमेडीज अपने फेस पे यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ अपने फेस को पहले अच्छी तरह वॉश कर लो, क्योंकि आप जो पहले मेकअप वगैरह जो भी क्रीम्स लगाए रहते हैं वो उसमें रह जाते हैं, और फिर ये इंग्रेडिएंट्स जो भी आप उसमें अप्लाई करेंगे तो उस पर इतना वर्क नहीं करेगा। इसलिए अपना फेस अच्छी तरह से पहले वॉश करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। ओके, तो यहाँ मैं अपनी बिंदी यहाँ पर हटा देती हूँ, आराम से हल्के हल्के से अप्लाई करें। और अपनी आंखों के पास भी आप आराम से इजीली लगा सकते हो। लाएंगे तो ये इसमें जो गुण होते हैं इसके, जो हमारे 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, हनी जो हमारे फेस को नरिश करता है, और जो नींबू है वो जितने भी डलनेस है जितनी भी डेड स्किन है उसको निकाल के बाहर फेंक देता है, और जो आलू का रस है वो सबसे मेन काम करता है हमारे स्किन वाइटनिंग में। स्किन वाइटनिंग मतलब आपका जो एक्चुअल कलर है उसे वो आसानी से एकदम लाइट करता है आपके कलर को। आप अपने गले में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमें अब इसे अपने हाथों से मसाज करना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मसाज का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, अब मसाज को स्किप ना करें।
बढ़िया तरीके से अपने गले वगैरह जहाँ भी आपको लगे आप अपने से कर लीजिए बढ़िया तरीके से उसको मसाज मसाज करके, इसे लगभग आपको 15 मिनट अपने फेस पे मसाज करके छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हम रिज़ल्ट देखेंगे कि इसका एक्चुअल रिज़ल्ट क्या है। तो मैं इसे 15 मिनट अपने फेस पे रखने वाली हूँ, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसका रिज़ल्ट एक्चुअल में कैसा है। तो देखिए ये जो मैंने अभी यूज़ किया है ना, वो आप किसी को पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपका अगर कोई स्किन सेंसिटिव है, स्किन प्रॉब्लम है, कोई से प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि घरेलू नुस्खा है तो आपको कोई से हार्म नहीं पहुँचेगा। आप इजीली इसको अपने फेस पे अप्लाई करें, आप वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करें, उसके बाद देखें। आपको ऐसा नहीं कि आप तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ओके। तो मैंने ये अच्छे से अप्लाई कर लिया, मसाज भी मैंने कर लिया है। आपको चाहिए तो आप ऐसे अपने आँखों के पास भी बढ़िया तरीके से मसाज भी कर सकते हो। मसाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आपको मसाज आना चाहिए, ओके। देखिए आप जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ वैसे आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप जैसे मसाज भी आप करने में सक्षम रहेंगे, ओके। तो ओके, तो अब मैं इसे 15 मिनट तक रखती हूँ, उसके बाद मैं वॉश करके आपको अपना फेस दिखाती हूँ कि क्या लुक आया है, ओके। देखिए मैंने अभी अपना फेस वॉश कर लिया है, बट इसका रिज़ल्ट बहुत इमीडिएट तो नहीं आएगा। आपको एटलीस्ट इसको 1 से 1.5 महीने करने हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार करिए तो इसका रिज़ल्ट ज़रूर विजिबल होगा, क्योंकि ये घरेलू उपचार है, घरेलू उपाय है। तो इसे वर्क करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब ये वर्क करता है तो एकदम अमेजिंग वर्क करने लगता है, फिर तो क्या ही बात है। तो करिए और फिर बताइए कि इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।